हेलो गाइस एंड वेलकम टू 84 मोटर राइड। तो आज के वीडियो में मैं कंपैरिजन करने वाला हूँ बजाज पल्सर 125 स्प्लिट सीट का बजाज पल्सर 150 डुअल डिस्क के साथ। दोनों बाइक 2024 मॉडल हैं, दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस आते हैं, आपके लिए कौन सी बाइक अच्छी रहेगी, आज के कंपैरिजन वाले वीडियो में आपको पता चल जाएगा। तो गाइस वीडियो में बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को क्लिक करो, इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करें ताकि मेरे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। कंपैरिजन स्टार्ट करेंगे लुक्स की बात करते हुए, तो यहाँ पर आपको ज़्यादा डिफरेंसेस देखने को नहीं मिलते लुक्स में हैं। पहले बात कर लेते हैं पल्सर 125 2024 की, तो यहाँ पर आपको सामने देखने को मिलता है सेम वैसा ही डोम। यहाँ पर आपको स्टिकर्स भी सेम मिलेंगे, रेड कलर और यहाँ पर कार्बन फाइबर स्टिकर्स भी सेम मिलते हैं। बॉडी कलर्ड मडगार्ड मिलेगा आपको, जैसे कि वहाँ पर है वैसे ही यहाँ पर भी मडगार्ड मिलता है। सस्पेंशन सेटअप देखो, इसका अलॉय व्हील उससे बहुत अलग आता है, ये न्यू टाइप का अलॉय व्हील है और वो ओल्ड डिज़ाइन में अलॉय व्हील मिलता है आपको। डिस्क ब्रेक का डिज़ाइन भी थोड़ा अलग मिलेगा, होंडा या हीरो जैसा है। और यहाँ पर आपको लेग गार्ड देखने को मिल जाता है, नीचे आपको बेली पैन देखने को मिलता है जो कि बॉडी कलर्ड स्टिकर्स के साथ आता है। यहाँ पर आपको पल्सर का टैंक नया मिलेगा, पल्सर की ब्रांडिंग के साथ और स्टिकर्स के साथ। यहाँ पर कुछ लिखा हुआ नहीं आता, हालांकि उसके अंदर 150 लिखा हुआ मिलता है टैंक के ऊपर, यहाँ पर कुछ नहीं लिख के देता बजाज। बाकी आपको E20 की ब्रांडिंग मिल जाएगी, कलर स्टिकर्स मिल जाएंगे, क्लिप ऑन हैंडल बार मिलेगा और यहाँ पर रियर व्यू मिरर कुछ ऐसे मिल जाते हैं। सीट को देखते हैं तो दोनों बाइक की सीट बहुत ही ज़्यादा सेम है, यहाँ देख सकते हैं आप स्प्लिट सीट सेटअप है और ब्लैक कलर का पैनल है। यहाँ पर 125 की ब्रांडिंग और यहाँ पर लंबा सा साइलेंसर जाता है जो कि अच्छा भी लगता है। टायर अगर मिलेगा पतले से टायर मिल जाएंगे आपको यहाँ पर, और यहाँ पर साइड स्टैंड मेन स्टैंड सब कुछ मिलता है आपको। तो साइड प्रोफाइल की बात करूँ तो साइड से कुछ ऐसी देखने को मिल जाती है पल्सर 125 स्प्लिट सीट। और रियर प्रोफाइल की बात करें तो रियर से भी बाइक आपको अच्छी मिलेगी, कुछ ऐसा डिज़ाइन आता है रियर प्रोफाइल का। पहले आप साड़ी गार्ड देख लो 125 का, यहाँ पर आपको साड़ी गार्ड मिलेगा, क्लोज चेन मिल जाएगी। और यही बात करें पल्सर 150 के डिज़ाइन की, तो ये थोड़ा ज़्यादा मस्कुलर आती है, जड़ी बड़ी लगती है, लेकिन डिज़ाइन बहुत ज़्यादा डिट्टो सेम लगता है दोनों बाइक का। यहाँ पर आपको सेम वही डिज़ाइन में डोम देखने को मिलेगा, हेडलाइट सेटअप बजाज की ब्रांडिंग के साथ, वही स्टिकर्स मिलेंगे, वही आउटलाइन वाली हेडलाइट और यहाँ पर ब्लैक कलर पैनल्स। नीचे आपको मडगार्ड भी सेम देखने को मिलता है इस बाइक के अंदर, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस क्या आता है पता है आपको? यहाँ पर अलॉय व्हील जो है थोड़ा अलग देखने को मिलता है, उसका अलग है, इसका ओल्ड डिज़ाइन में है। और यहाँ पर डिस्क का साइज़ भी बड़ा मिलेगा आपको, जैसे कि आपको बता पाऊँ तो यहाँ पर आपको डिस्क का साइज़ बड़ा मिलता है। और यहाँ पर सस्पेंशन सेटअप का भी साइज़ बड़ा देखने को मिलता है आपको, सामने मोटा सस्पेंशन है। और यहाँ अपन टैंक को देखेंगे तो टैंक के ऊपर भी आपको ज़्यादा मस्कुलैरिटी मिलेगी और यहाँ पर 150 लिखा हुआ मिल जाता है कंपनी की तरफ से। अब यहीं बात करें अपन डैशबोर्ड की, तो डैशबोर्ड आपको सेम देखने को मिलता है, लेकिन इसका जो हैंडल बार है क्लिप ऑन हैंडल बार, इसका ज़्यादा वाइड है, ज़्यादा चौड़ा है, उसका थोड़ा पतला है। तो यहाँ पर चौड़ा हैंडल बार मिलेगा, E20 की ब्रांडिंग मिलेगी, पल्सर की ब्रांडिंग और स्टिकर्स, टैंक पैड भी सेम मिलेगा। सीट दोनों बाइक की सेम मिलती है, लेकिन यहाँ पर 150 की बैजिंग मिलती है आपको और यहाँ पर पूरा कार्बन फाइबर के डिज़ाइन में देखने को मिलता है इसका पार्ट, तो यहाँ पर पार्ट भी अलग देखने को मिलेगा। और यहाँ पर क्लोज चेन नहीं मिलती, ओपन चेन देखने को मिलती है। साड़ी गार्ड नॉर्मल सा आता है इसके अंदर, उतना ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं रहता इसका साड़ी गार्ड। और यहाँ पर मेन स्टैंड साइड स्टैंड सब कुछ है, बाकी इंजन भी इसके अंदर बड़ा देखने को मिलता है। रियर प्रोफाइल की बात करूँ तो रियर से बाइक दोनों ही सेम लगती है, लेकिन ये बाइक थोड़ी ज़्यादा मस्कुलर लगती है क्योंकि इसके अंदर टायर अगर नहीं मिलेगा और मोटर टायर मिलेगा। और साइड प्रोफाइल आपको पल्सर 150 को कुछ ऐसी देखने को मिल जाती है जो कि अच्छी है। पल्सर 125 के कंपैरिजन में ज़्यादा स्पोर्टी बाइक 150 देखने को मिलती है इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन। अब बात कर लेते हैं दोनों बाइक के इंस्ट्रूमेंट कंसोल की, तो दोनों बाइक के अंदर सेम मीटर मिलेगा। तो सबसे पहले अपन मीटर की तरफ चलेंगे, तो यहाँ मिलता है आपको दोनों बाइक के अंदर सेम है मीटर, तो कोई दूसरा दिखाने की ज़रूरत नहीं। तो यहाँ पर मिलता है आपको फुल्ली डिजिटल मीटर, इसके अंदर आपको अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन मिलती है, जैसे कि स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, फ्यूल गेज, टैकोमीटर मिलता है, साइड स्टैंड इंडिकेटर है, क्लॉक मिलती है और ब्लूटूथ कनेक्शन मिलता है, और एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, इनिशियल फ्यूल इकोनॉमी, डिस्टेंस टू एम्प्टी जैसे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। ब्लूटूथ कनेक्शन नया आया है इसके अंदर। और यहाँ पर न्यूट्रल लाइट, इंजन चेक लाइट, लो बीम हाई बीम लाइट, इंडिकेटर लाइट सब कुछ मिल जाता है। और इसके अंदर आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर अभी तक ऐड नहीं किया गया, ये एक कमी है। बाकी आपको स्विच गियर्स भी दोनों बाइक के सेम मिलते हैं, राइट साइड में इंजन किल स्विच है, इसके नीचे सेल्फ स्टार्ट बटन है, और लेफ्ट साइड में पासिंग स्विच और लो बीम हाई बीम बटन एक ही बटन में मिलेगा। इसके नीचे मेन्यू सेलेक्ट बटन मिलता है, इसके नीचे इंडिकेटर और इसके नीचे हॉर्न बटन, अच्छा लाउड हॉर्न मिलता है आपको। रियर व्यू मिरर भी अच्छे मिल जाते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर अगर अपन 150 की बात करें तो 150 में भी आपको सेम मीटर मिलता है, सेम फीचर्स हैं, सब कुछ सेम है। और साथ ही साथ दोनों बाइक के अंदर आपको मोबाइल चार्जिंग पॉइंट मिल जाएगा, देख सकते हैं आप, मोबाइल चार्ज करने के लिए यहाँ पर मोबाइल चार्जिंग पॉइंट मिल जाता है। 150 में भी आपको मिल जाएगा मोबाइल चार्जिंग पॉइंट, ये सब चीज़ें सेम है। बाकी इसके अंदर यहाँ पर भी बटन सेम मिलते हैं,
इंजन किल स्विच, सेल्फ स्टार्ट बटन लेफ्ट साइड में, वही पासिंग स्विच, लो बीम हाई बीम बटन, मेनुअल स्टीयरिंग बटन, इंडिकेटर और इसके नीचे हॉर्न। यहाँ पर ज़्यादा लाउड हॉर्न आपको पल्सर 150 में मिलेगा क्योंकि यहाँ पर डुअल हॉर्न यूज़ किए जाते हैं बाइक के अंदर। यहाँ पर आपको इंस्ट्रूमेंट कंसोल के फीचर्स और रियर व्यू मिरर सब कुछ सेम मिलता है दोनों बाइक के अंदर, तो यहाँ पर सिमिलैरिटी रहती है। आप बात कर लेते हैं फ्रंट की, तो हेडलाइट, टेल लाइट, इंडिकेटर की बात करें तो दोनों बाइक के अंदर सेम हेडलाइट, सेम टेल लाइट और सेम इंडिकेटर्स आते हैं। हैलोजन हेडलाइट है, हैलोजन वाले इंडिकेटर्स हैं। लेकिन रियर की बात करें टेल लाइट की, तो टेल लाइट एलईडी मिलती है आपको दोनों बाइक के अंदर, इधर भी एलईडी है, इधर भी एलईडी है। अब बात कर लेते हैं अपन सस्पेंशन सेटअप की, तो दोनों बाइक के अंदर आपको अलग अलग सस्पेंशन आते हैं। यहाँ पर पतले सस्पेंशन मतलब छोटे सस्पेंशन 125 में मिलेंगे, टेलीस्कोपिक फोक है थोड़ा पतला है, लेकिन 150 में देखेंगे तो मोटा सस्पेंशन मिलता है आपको जो कि बढ़िया रहते हैं। और अपन बात करें रियर की, तो रियर में सेम सस्पेंशन सेटअप है, 5-टाइम एडजस्टेबल ट्विन स्विंग आर्म मिलते हैं। यहाँ पर भी आपको सेम 5-टाइम एडजस्टेबल ट्विन स्विंग आर्म मिलते हैं। ये ग्लॉसी फिनिश में है, ये मैट फिनिश में है, इतना डिफरेंस है। और बात करें अपन टायर्स की, तो यहाँ पर आपको बढ़िया टायर्स 150 में मिलेंगे 125 के कंपेयर में। यहाँ पर पतले टायर हैं, उधर मोटे हैं, इसलिए बढ़िया बढ़ाऊँ मैं इसको, मोटे टायर बढ़िया रहते हैं। और यहाँ पर आपको फ्रंट में 8017 का टायर मिलेगा, 17 इंच का अलॉय व्हील मिलेगा। अब यही बात करें 150 की, तो फ्रंट में आपको यहाँ पर 90-90-17 का टायर मिलता है, 17 इंच का अलॉय व्हील, मतलब यहाँ पर 90 सेक्शन टायर, यहाँ पर 80 सेक्शन टायर फ्रंट, बढ़िया टायर इसके अंदर है। और रियर में भी ऐसा ही सीन है, इधर आपको 100-90-17 का टायर मिलता है 125 में जो कि पतला है, इधर आपको 120-80-17 का टायर मिलेगा। तो यहाँ पर ज़्यादा मोटा टायर और ज़्यादा अच्छी ग्रिपिंग मिलती है पल्सर 150 डुअल डिस्क के अंदर। अब बात कर लेते हैं ब्रेक्स की, तो यहाँ पर ब्रेक्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है, इधर बढ़िया ब्रेक्स हैं, इधर थोड़े ओल्ड ब्रेक्स हैं, मतलब थोड़े कम पावर वाले ब्रेक्स हैं। 125 में मिलता है आपको 240 mm का डिस्क, ABS नहीं आता इसके अंदर, सामने मिलता है डिस्क, पीछे आपको ड्रम मिलता है 130 mm का, यहाँ पर ABS कहीं पर भी नहीं मिलता। अब यही बात करें 150 ट्विन डिस्क की, तो यहाँ पर आपको डुअल डिस्क विद सिंगल चैनल ABS मिलता है, सामने आपको बड़ा 280 mm का डिस्क मिलता है, अच्छी ब्रेकिंग परफॉर्मेंस देता है। और रियर की बात करें तो रियर में आपको 230 mm का डिस्क मिलता है विथ सिंगल चैनल ABS, पीछे आपको ABS नहीं मिलेगा, सामने ही ABS मिलेगा। लेकिन अगर अपन 125 से कंपेयर करें तो यहाँ पर ब्रेक्स आपको 150 के अंदर बहुत ही अच्छे मिलते हैं एज कम्पेयर टू दिस वन। और अब बात कर लेते हैं इंजन की, तो इंजन में सिमिलैरिटी पूरी ख़त्म हो जाती है। पल्सर 125 125cc के इंजन के साथ आती है, यहाँ पर मिलता है आपको 125cc एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक 2-वाल्व BS6 फेस 2 कंप्लाइंट फ्यूल इंजेक्टेड इंजन, जो कि मैक्स पावर निकलता है 11.8 BHP की और मैक्स टॉर्क निकालता है 10.8 न्यूटन मीटर का विथ 5-स्पीड गियर बॉक्स। अब यहीं बात करें 150 के इंजन की, तो 150 में आपको बड़ा इंजन मिलेगा जो कि 150cc एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक 2-वाल्व BS6 फेस 2 कंप्लाइंट DTSI फ्यूल इंजेक्टेड इंजन, जो कि मैक्स पावर निकालता है 14 BHP की और मैक्स टॉर्क निकालता है 13.2 न्यूटन मीटर का विद 5-स्पीड गियर बॉक्स। यहाँ पर आपको 2.2 BHP पावर ज़्यादा मिलती है, साथ ही साथ टॉर्क भी आपको बहुत ज़्यादा मिलता है इसके अंदर 13.2 न्यूटन मीटर का। लेकिन इसके अंदर किक नहीं आता डुअल डिस्क मॉडल में, सिंगल डिस्क मॉडल लेंगे तो उसमें किक मिलेगा, लेकिन पल्सर 125 में आपको किक मिल जाएगा, तो यहाँ पर किक नहीं मिलेगा डुअल डिस्क में। अगर आप सिंगल डिस्क मॉडल लेते हैं तो इसके अंदर किक मिल जाता है आपको, जैसे कि आप देख सकते हैं 150 सिंगल डिस्क में मिलता है, डुअल डिस्क में नहीं मिलेगा। अब बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पर ज़्यादा परफॉर्मेंस निकालती है पल्सर 150 और कम परफॉर्मेंस निकालती है पल्सर 125, क्योंकि कम सीसी वाली है, कम BHP वाली है। अब बात कर लेते हैं माइलेज की, तो यहाँ पर ज़्यादा माइलेज मिलेगा 125 से क्योंकि कम परफॉर्मेंस है, यहाँ पर आपको 55-60 का माइलेज मिलता है और 150 में आपको 45-50 का माइलेज, लगभग 10 km/h का माइलेज डिफरेंस देखने को मिलता है दोनों बाइक के अंदर। अगर आपको ज़्यादा माइलेज और कम परफॉर्मेंस चाहिए तो आप 125 की तरफ जा सकते हैं, या फिर आपको ज़्यादा परफॉर्मेंस और कम माइलेज चाहिए तो आप 150 की तरफ जा सकते हैं। आप बात कर लेते हैं सीट कम्फर्ट की, तो दोनों बाइक के अंदर सेम सीट है, तो सीट कम्फर्ट में कोई कंपेरिजन नहीं, दोनों बाइक का राइडर हो या पिलियन कम्फर्टेबल रहता है। लेकिन 150 में सेम सीट रहने के बावजूद यहाँ पर कंफर्ट लेवल कम इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर साड़ी गार्ड प्रॉपर नहीं आता जैसे वहाँ पर आता है, इधर का साड़ी गार्ड इधर इंस्टॉल कर दिए तो अच्छा होगा, वरना आपको कंफर्ट लेवल पिलियन के लिए थोड़ा कम मिलेगा इसके अंदर। अब बात कर लेते हैं टैंक कैपेसिटी की, तो यहाँ पर 125 में छोटी टैंक कैपेसिटी आती है, 11.5 लीटर की टैंक कैपेसिटी है, और 150 में बड़ी है टैंक क्योंकि यहाँ पर 15 लीटर की टैंक कैपेसिटी आती है। तो यहाँ पर आपको टैंक कैपेसिटी अच्छी मिलती है, 3.5 लीटर ज़्यादा मिलती है टैंक कैपेसिटी 150 के अंदर। अब बात करें सीट हाइट की, तो दोनों बाइक की सीट हाइट है 795 mm की। अगर आपकी हाइट 5'3" है तब भी आप आराम से इन दोनों बाइक को राइड कर सकते हैं, तो सीट हाइट का कोई प्रॉब्लम नहीं आता। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो दोनों बाइक के अंदर सेम ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है 165 mm का, 125 हो या 150, और दोनों बाइक के अंदर मेन स्टैंड, साइड स्टैंड, इंजन कट ऑफ सेंसर सब कुछ मिलता है आपको।
और अब बात कर लेते हैं दोनों बाइक के ओवरऑल वेट की, तो यहाँ पर ज़्यादा हल्की देखने को मिलती है 125, क्योंकि यहाँ पर 140 केजी कर्व वेट मिलता है और 150 का वेट है 150 केजी, तो यहाँ पर आपको ज़्यादा हेवी देखने मिलती है 150 क्योंकि 150 केजी कर्व वेट है और 125 हल्की है क्योंकि 140 केजी कर्व वेट है। अगर आपको लाइट वेट बाइक चाहिए तो ये बाइक आपके लिए अच्छी रहेगी। अब बात कर लेते हैं दोनों बाइक की प्राइसिंग की। अगर आपको बजाज ब्रांड का कोई भी प्रोडक्ट खरीदना हो तो आप राजयोग बजाज उदगीर शोरूम को कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर विजिट कर सकते हैं। इनका कांटेक्ट नंबर और मैं आप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। और यहाँ पर बजाज पल्सर 125 2024 मॉडल स्प्लिट सीट ऑन रोड देखने मिलता है 117,000 रुपये की प्राइस पर, और पल्सर 150 डुअल डिस्क 2024 मॉडल का प्राइस देखने मिलता है 140,000 रुपये का ऑन रोड प्राइस। अब दोनों बाइक के अंदर 23,000 रुपये का प्राइस डिफरेंस देखने को मिलता है। अब आपको कौन सी लेनी चाहिए वो मैं कंक्लूजन बताऊँगा। अगर आपको ज़्यादा परफॉर्मेंस चाहिए और ज़्यादा अच्छी ब्रेकिंग चाहिए, ज़्यादा अच्छे सस्पेंशन चाहिए, ज़्यादा अच्छे टायर चाहिए और माइलेज आपको 40 से 50 के बीच का चल जाएगा और बाइक के अंदर किक नहीं रहेगा तब भी चल जाएगा, तो आप पल्सर 150 की तरफ जाओ, क्योंकि यहाँ पर आपको ज़्यादा परफॉर्मेंस, ज़्यादा टैंक कैपेसिटी, ज़्यादा अच्छे ब्रेक, ज़्यादा अच्छे सस्पेंशन, ज़्यादा अच्छे टायर्स मिल जाते हैं और यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी मिलती है उसके कंपेयर में। अब इसके अंदर लेकिन थोड़ा माइलेज कम मिलता है, 40 से 50 के बीच में इसका माइलेज आता है। अब यहीं बात करें अपन 125 किसको लेना चाहिए। 125 फैमिली वालों के लिए अच्छा है जिसको 50 से 60 का माइलेज चल जाएगा। थोड़ा स्पोर्टी डिज़ाइन चाहिए, फीचर्स भी चाहिए, फुल डिजिटल मीटर चाहिए और डबल डिस्क की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल से सस्पेंशन चल जाएंगे और 125 सीसी की बाइक लेना है और बजट थोड़ा कम है, 1,20,000 के अंदर है, तब आप पल्सर 125 को देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको अच्छा इंजन, अच्छी परफॉर्मेंस, अच्छा ब्रेक्स, अच्छे टायर्स, सस्पेंशन अच्छे मिलते हैं, लेकिन 150 से कंपेयर करेंगे तो ये पीछे रह जाते हैं। लेकिन 1,20,000 रुपये की प्राइस में ये बाइक आपको अच्छी देखने को मिलती है इंडियन टू व्हीलर मार्केट के अंदर, और वो बाइक भी 1,40,000 रुपये की प्राइस में अच्छी है, लेकिन अगर अपन डिटेल में कंपेयर करेंगे तो ये बाइक हर जगह बेटर आती है माइलेज को छोड़कर। तो ये सब रहता है दोनों बाइक के कंपैरिजन का डिफरेंस। तो गाइस आज के वीडियो में मैंने आपको बजाज पल्सर 125 स्प्लिट सीट वर्सेस बजाज पल्सर 150 डुअल डिस्क का कंपैरिजन दिया। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बताना। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करो, इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। आज के वीडियो में इतना ही, चलता हूँ, गुड बाय गाइस।